नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हम सभी के जीवन में बुरे दिन तो आते ही हैं, चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो। बुरे दिनों में अक्सर लोग मुरझा जाते हैं, चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, हमेशा सोच विचार में पड़े रहते हैं और आगे क्या होगा यह सोचकर दिल घबराने लगता है, मन ही मन में बुरे ख्याल भी आने लगते हैं, और तो और कुछ लोग जिंदगी से हार भी मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यह जीवन हमें एक बार ही मिलता है, यह बड़ा ही अनमोल है। इसमें सुख और दुख आते रहता है, कभी ढेर सारी खुशियों से हमारा घर भर जाता है तो कभी विपत्ति आने पर घर में मायूसी भी छा जाता है, लेकिन वह बुरा समय भी हमें कुछ सीख दे जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बुरे समय से निपटने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। बुरे समय में इन बातों का हमेशा ध्यान में रखें। दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी जानकारी वाले वीडियो आप देख सकें। पहली बात है, दर्द या नाकामी दोनों जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, जीवन में सुख है तो उसके साथ दुख भी होता है। अगर जीवन में कभी दुख नहीं हो तो आप सुख का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। आपको यह मानकर चलना चाहिए कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। अगर आप बुरे समय को अपने जिंदगी का हिस्सा समझेंगे तो यह आपको टूटने नहीं देगा। आप ऐसे समय में मजबूती से खड़े रह सकेंगे और अच्छे समय का इंतजार करते हुए बुरे समय से लड़ेंगे। दूसरी बात है, बुरा समय गुजर जाएगा। जैसे सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, उसी तरह बुरा समय भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। यह दोनों आपके घर के मेहमान हैं, यह हमेशा आपके घर के जीवन में आते रहेंगे, जिससे आपको लड़ने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए बुरा वक्त आता है तो घबरा कर आपको अपना कमजोर ना बनाएं, बुरे वक्त में डटकर खड़े रहें, उसका सामना करें। बुरे समय में जितना दर्द जितनी तकलीफ मिलती है उससे झेलते रहें, एक ना एक दिन अंधेरे के बादल हट जाएंगे, आने वाले कामयाबी की सुनहरी किरण आपके जीवन को रोशन करेगा। तीसरी बात है, चिंता ना करें। बुरे समय में ज्यादातर लोग बेचैन हो जाते हैं, हमेशा चिंता करते रहते हैं, भविष्य के बारे में सोचकर घबराने लगते हैं। बुरे समय के बारे में ज्यादा सोचने पर यह आपके मन पे गहरा असर डाल सकता है या आपको अंदर से कमजोर भी बना सकता है, इसलिए सावधान हो जाए। अपने दैनिक गलतियों का दोहराए उसे बार बार न करें। आपको हर कदम सावधानी से रखना है, जो गलतियाँ हुई है वो फिर से ना दोहरानी है। अपनी नाकामियों को भूल जाएं और उनके बारे में सोचकर समय बर्बाद ना करें, अपने मन को मजबूत करें और फिर से सफलता प्राप्त करने के लिए मार्ग पर चल पड़े। चौथी बात है, आपके जख्म आपकी ताकत है। बुरे समय में आपको जो भी जख्म मिले हैं वह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। जो गलतियाँ आपसे हुई है उनसे आपको सीखने का मौका मिला है और आपसे भविष्य में ऐसी गलतियाँ दोबारा ना होगी। यह जख्म आपके आत्मविश्वास को जगाने का काम करता है, इसलिए अपने जख्मों को कमजोरी ना समझे बल्कि अपने ताकत ही समझे। पांचवी बात है, जो होना है वो होकर रहेगा। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, आपको फिर परिश्रम करते रहना है, रास्ते में मुश्किलें तो आती रहेगा। बुरा समय भी आएगा, उसके बाद अच्छा समय भी आएगा, उसके बाद फिर बुरा समय आएगा, यह चक्र चलता रहेगा, इसलिए आपको रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर आप गलती से भी एक जगह रुक जाते हैं तो ये आपका नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए रुकना नहीं बस आगे चलते रहना है। तो दोस्तों, ये था पांच बातें जो हमें बुरे समय में याद रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।